सो गाइस, इन दिनों मेरा एकदम ही बैड लक चल रहा था, है ना। जनवरी तरफ से ही कुछ मेरा अच्छा नहीं चल रहा था। और कुछ दिन पहले मेरा पापा का भी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गया था। आप लोगों को ये थंबनेल देख के लग रहा होगा कि मैं बीमार हो गया था शायद, ऐसा करके ना, क्योंकि आफ्टर बैक टू हॉस्पिटलाइजेशन करके मैंने डाला था। पर नहीं, मेरे पापा का हेल्थ बहुत ख़राब हो गया था। और कुछ जन को पता है, मेरे फ्रेंड लोगों की, मेरे पापा किडनी पेशेंट है ना। बोला जाए तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है ना, शॉर्ट फॉर्म में सीकेडी बोलते हैं, ये मेडिकल लाइन का वो है। तो पिछले 2 साल से मेरे पापा ये बीमारी में सफ़र कर रहे। तो अभी पापा का डायलिसिस पहले तो हफ्ते में 3 बार होता था, अभी हफ्ते में 2 बार होता है। तो इसके चलते बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बीच बीच में बीमार होते रहते हैं। तो लास्ट टाइम मेरे पापा को क्या हुआ बोला तो, अचानक से उनको उनका हेल्थ एकदम बिगड़ने लग गया था आफ्टर डायलिसिस। तो हमको पापा ने एक बार फ़ोन करके तो बोला था कि मेरे हेल्थ अच्छे नहीं लग रहे। तो मैंने जाके मिल के भी आया था पापा को, क्योंकि मेरा घर और जहाँ मैं जॉब करता हूँ उसमें 2.5 आवर का डिस्टेंस है। तो मैं घर में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन पहले, कि मेरा आंटी मुझको कॉल करा और रात का 10:30 बजे वो बोल रहे कि पापा को मैं हॉस्पिटल नर्सिंग होम लेकर आया हूँ, उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तुम जल्दी से पहुँचा करके। तो जस्ट मैं ड्यूटी से आके रूम में रेस्ट कर ही रहा था, तो उस समय ऐसा मैसेज आया। तो मेरे तो पूरा होश ही उड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने आंटी को पूछा कि क्या हुआ करके, अच्छे से बताओ। तो बोल रहे कि पापा एकदम ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था उनको, और मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूँ नर्सिंग होम। तो यहाँ पे डॉक्टर लोग कुछ बोल रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ करके। रात का 10:30 बजे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उसके बाद तो क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि हम लोग का गेट भी बंद हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट से वार्डन को कॉल करा, वार्डन को कॉल करके मैंने बोला कि मेरे पापा ऐसे ऐसा हुआ है। तो उनने बोला कि एक लेटर लिख के जाओ, अभी ऐसे टाइम में लेटर लिखने का टाइम भी नहीं होते। तो मैंने एक ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर करके चला गया और बोला कि आप लिख के दे देना करके। तो ऐसा करके तो वार्डन ने बोला ठीक है तुम चले जाओ करके। तो अभी इतना रात को 10:30 बजे गाड़ी भी नहीं मिलते वहाँ से कुछ भी। तो मेरा एक दोस्त था बॉयज़ हॉस्टल में, उसको कॉल किया, बोला कि तुमको गाड़ी चलाना, स्कूटी, कुछ बाइक कुछ है क्या तुम्हारे पास, कुछ है तो मुझे हेल्प करो ना। फिर उसने क्यों तुम्हें इतना रात को कहाँ जाने बोला, मेरा पापा हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा हुआ है बोल के मैंने उसको बोला। तो उसने बोला ठीक है तुम फटाफट से निकलो, मैं आ रहा हूँ करके। बेचारा उसने हमको नर्सिंग होम तक पहुँचाया, पर जैसे हम दोनों निकला था वहाँ से, आधे रास्ते में उसका बाइक का तेल ख़त्म हो गया, तेल ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा आगे जाके पेट्रोल पंप था, वहाँ से हम लोगों ने तेल भराया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकला, तो पहुँचते पहुँचते हम लोग 11 बज गया था। तो रास्ते में ही मैंने सर को कॉल करा था, जो सर वहाँ का आईसीयू का इंचार्ज रहते हैं। तो मैंने सर को कॉल करा, तो सर घर में थे। तो मैंने सर को बोला, तो सर बोला कि ओके ठीक है तुम चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। क्योंकि सर को हम पहचान, सर को, सर के साथ हमने काम किया है, सर को पहचानते हैं ना। तो स्टिल मैं सर के साथ काम करता हूँ, है ना। तो सर को बोला तो सर फटाफट से आ गया, आके देखा तो पूरा पूरी जीसेस डाउन है ना, एकदम ही कुछ रेस्पॉन्स नहीं हो रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मूवमेंट भी आएगा, क्योंकि पहले भी 2 बार बाबा को आईसीयू में एडमिट कर हो चुका था, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। पापा पूरा वेंटिलेटर में चला गया था, तो उनका रिजल्ट भी बहुत ख़राब आया था। ABG सब किया था, ECG करा था, तो अच्छा नहीं आया था उसमें। तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने सोचा कि अभी अब तो मैंने मेरे पापा को खो दिया, ऐसे फील हो रहा था। कोई नहीं था मेरे साथ वहाँ में, वेंटिलेटर में देखना बहुत, ऐसा
तो एक्चुअली मेरे पापा को क्या हुआ था बोला तो, कुछ दिन पहले उनको पूरा कोल्ड कफ हुआ था, बुखार फीवर पूरा हुआ था उसके उसके वजह से। और जब पापा को डायलिसिस में गया था, तो बाबा ने बता रहा था हमको कि डायलिसिस के समय में उनको बहुत बहुत ठंडा लगा था, तो वहाँ में उनको वार्ड में 2-3 कंबल लगाया है ना, 2-3 कंबल दिया, फिर भी उनको गर्म नहीं हो रहा था बदन। उसके उसकी वजह से ना बाबा को मतलब अंदर ना छाती में ना ठंड ठंड घुस के ना, तो क्या हो गया बोला तो निमोनिया हो गया था मेरे पापा को, निमोनिया हो गया और उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो के, तो उसी की वजह से ऐसा हो गया था प्रॉब्लम जो है ना। पर इसलिए ये छोटा सा मैसेज मैं आप लोग को वही देना चाहता हूँ कि जिसका भी घर में माँ पिताजी है अभी प्रेजेंट में, पापा भी है मम्मी भी है, अच्छे से रहिए, बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए उन लोगों को। हाँ कभी कभी गलती गाली करते हैं तो आप लोग को लगेगा कि कितना गाली करते हैं, कितना एक ही बात को दोहराते रहते हैं, क्या हम बच्चे हैं क्या, क्या मेरे पास दिमाग नहीं है क्या, हम लोग ऐसे सोचते ना, पर ये गलत है, ये एकदम गलत है। जब आप लोगों की लाइफ से आपका मेन इम्पोर्टेंट पर्सन चला जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों को एहसास होगा कि वो बात क्या बोलने के लिए कर रहा था, आपका पेरेंट्स आपका फैमिली आपको क्या बात समझाने के लिए कर रहा था, उस समय आप लोगों को पता चलेगा। और जब पता चलते समय इतना लेट हो गया होगा कि आप दोबारा जाके भी बैक नहीं हो पाएगा। और हाँ जब तकलीफ़ होते मतलब इस समय हमको पता चला ना कि जब तकलीफ़ होते ना लोगों को, जब तकलीफ जब जब हमको तकलीफ़ हुआ, मैंने मेरा प्रॉब्लम बताया, तो जो मेरा अपना है ना उन लोगों ने सच में मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया ना, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि सच में भी मेरा फ्रेंड हो मेरे रिश्तेदार जो भी हो मुझे इतना सपोर्ट किया ना कि सच में इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ का मेरा दोस्त लोग से लेके बाहर का ना दोस्त मेरा फ्रेंड लोग जितने भी सब ने इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छे से मतलब हमको कॉल करते रहा पूछते रहा है ना। तो थैंक यू सो मच उन सबको, मेरे सब दोस्त लोग थैंक यू सो मच, जितना भी मेरा फ्रेंड हो गया अभी नाम लेने से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थैंक यू सो मच आप लोग सबको कि हमको इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट और केयर देने के लिए है ना उस समय में। और तो ओके गाइस, तो अभी हम रखते हैं, इतना में एंडिंग करेगा और दीदी को थोड़ा हेल्प करेगा खाना वाना बनाने में, वो किचन में बेचारा खाना वाना बना रहे मेरे लिए और अपने के लिए भी, तो यहाँ जाके थोड़ा हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और थोड़ा प्रे कर देना मेरे पापा के लिए कि दोबारा फिर से हॉस्पिटलाइजेशन ना हो करके। और मैं भी प्रे करती हूँ कि दुनिया में किसी को भी बीमार इतना खतरनाक ना लगो और हर किसी का मम्मी पापा को लॉन्ग लाइफ दे, और एकदम ही गुड हेल्थ देने के लिए, गुड हेल्थ रहने के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।